मेरे प्रिय दोस्तों, जय यीशु। आज का दिन आपकी परमेश्वर की महिमा के लिए आपके लिए बने और आपका जीवन परमेश्वर के लिए उपयोग में लाया जाए और आप अपने जीवन को प्रभु को सौंपने पाए। आइए आप इस वीडियो में मुझे समय दें और आप इस वीडियो को जब वचन को सुनते हैं, देखते हैं, तो आप इसमें सहभागी होते हैं। तो प्रभु आपके साथ बना रहे। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, पहला सैमुएल और उसका 7 अध्याय और उसके 9 पद से। और पिछला भाग का वीडियो का लिंक इस वीडियो में मैंने दिया है, आप उसको देखिएगा। और जब आप उसको देखेंगे तो इस वीडियो के वचन को आप अच्छे से समझ पाएंगे। आइए पढ़ेंगे वचन को। तब सैमुएल ने एक दूध पिता मेमना ले स्वांग हूं बलि करके यहोवा को चढ़ाया और सैमुएल ने इसराइलियों के लिए यहोवा से प्रार्थना की या यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। प्रियो, उसने बलिदान चढ़ाकर इसराइलियों के लिए यहोवा से प्रार्थना की, यहोवा की दुहाई दी और वचन बता रहे हैं 9 पद, यहोवा परमेश्वर ने उसकी सुन ली। यही है समर्पण, यही है अपने आप को परमेश्वर के सामने रखना, यही है कि परमेश्वर आपकी जल्दी से सुने। किन के लिए? इसराइलियों के लिए, आपके घराने, आपके परिवार के लिए, पूरे संसार के लिए। जब हम संसार के लोगों के लिए जो पाप में जीवन बिता रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो सचमुच में परमेश्वर सुनता है। आइए सैमुएल के साथ और आगे बढ़ते हैं कि 9 पद के बी पार्ट भाग में कि सैमुएल ने इसराइलियों के लिए यहोवा को की दवाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय सैमुएल होम बलि चढ़ा रहा था उस समय फिलिस्ती इसराइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। जब भेंट चढ़ा रहा था सैमुएल, तब इसराइली लोगों से युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, संग्राम करने के लिए फिलिस्तीनी लोग नजदीक आ गए, ऐसा बताया जाता है। और लिखा है, तब उस दिन यहोवा ने फिलिस्तीनियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया। सोचिएगा कि परमेश्वर को लोगों की जरूरत नहीं पड़ी, परमेश्वर ने ऐसा बड़ा बादल गड़गड़ाया, ऐसी गड़गड़ाहट पैदा की जिससे उन्हें घबरा दिया। किसको? दुश्मनों को, फिलिस्तीनियों को परमेश्वर ने घबराया। किसके लिए? इसराइलियों के लिए, सैमुएल की प्रार्थना के द्वारा, होम बलि के द्वारा, स्वांग बलिदान के द्वारा, भेंटों के द्वारा। यही है प्रार्थना, खाली मुंह को हिलाना, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु करते रहना, ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना अगर क्रियाशील ना हो, प्रैक्टिकल ना हो, प्रार्थना के साथ साथ अगर आपका जीवन प्रैक्टिकल ना हो तो आपकी प्रार्थना काम नहीं आएगी। खाली यहां पर सैमुएल ने प्रार्थना ही नहीं की, उसके साथ प्रार्थना को क्रिया में भी लेकर आया। जैसे हम देखते हैं भेंट का चढ़ाना, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को भेंट परमेश्वर के प्रति तैयार करना और भेंट देकर फिर से प्रार्थना करना। और यहां पर देखा कि इसराइलियों के पास लड़ने के लिए फिलिस्तीनी उस वक्त आ भी गए। और आप में से कितने लोग ऐसे होंगे कि यार जब प्रार्थना करें तो दुश्मन क्यों पास आ गया, दुश्मन ने क्यों युद्ध किया? पर यह परमेश्वर की योजना में था, क्योंकि वचन हमें बता रहा है। मैं आपको बताना चाहता कि जिस समय सैमुएल होम बलि चढ़ा रहा था उस समय फिलिस्तीनी इसराइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उस दिन यहोवा ने फिलिस्तीनियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वो इसराइलियों से हार गए। सोचना, किसने हराया? परमेश्वर ने। किससे हार गए? इसराइलियों से। आपके लिए परमेश्वर काम करता है जब आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना और बड़े पवित्रता के साथ और बलिदानों के साथ, धन्यवाद के साथ और भेंटों के साथ उसके पास आते हैं, तो आपके शत्रु को परमेश्वर आपके हाथ में कर देता है,
और आपके लिए शत्रु को वह हरा देता है और आप जीत जाते हैं। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। 11वां पद पढ़ते हैं, तब इजरायली पुरुषों ने मिस्बा में निकलकर फिलिस्तीनियों को खदेड़ा। देखिए, अब मिस्बा के लोग यानी इजरायली लोग मिस्बा के अंदर दिलेर बन गए हैं, जो भयभीत होने वाले लोग दिलेरी लेकर आ गए हैं। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर ने यह दिलेरी दी है, परमेश्वर ने साहस हिम्मत दी है। लेकिन तब इजरायली पुरुषों ने मिस्बा में निकलकर फिलिस्तीनियों को खदेड़ दिया, जो भयभीत हो रहे जब भेंट चढ़ाई जा रही थी, और उन्हें भेंट के नीचे तक मारते चले गए। ये बल और ताकत कहां से आती है? परमेश्वर से। ये बल और ताकत पवित्रता के साथ जीवन जीने से आती है, ईमानदारी से आती है, परमेश्वर के साथ चलने से आती है। और परमेश्वर पहले अपना काम आपके लिए करेगा, बाद में आपको करना होगा। परमेश्वर ने उनके अंदर ऐसा डर पैदा किया, बड़ा बादल गड़गड़ाकर उन्हें भयभीत कर दिया, उन्हें डरा दिया, और वो डर गए। डरे व्यक्ति को मारना आसान है, याद रखना, डरे का पीछा करना आसान है, क्योंकि उसको आपने नहीं डराया, वो आपसे डर के नहीं भागा। वो पहले गड़गड़ाहट जो परमेश्वर की ओर से सुनाई गई थी, वचन बता रहा है, यहां लिखा है कि 10 पद में, फिलिस्तीनियों के ऊपर यहोवा ने बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर बादल को उनके जीवन में घबराहट पैदा कर दी थी। किसके जीवन में? दुश्मनों के जीवन में, शत्रु के जीवन में घबराहट को बादल गरजाकर उत्पन्न कर दी थी। आपके शत्रु को डराने वाला एक ही है, परमेश्वर, आप नहीं। आप कभी भी अपने शत्रु को डरा नहीं सकते, बल्कि आप डर सकते हैं। पर याद रखना, आपका परमेश्वर आपके शत्रु को डरा सकता है, हरा सकता है, भगा सकता है, खदेड़ सकता है, और गड़गड़ाहट बादल को गरजाकर उसे आपके सामने से दूर कर सकता है। पर शर्त यह है कि आपको परमेश्वर का भय मानना है, ना कि शत्रु का। अगर आपने परमेश्वर का भय नहीं माना तो आपको शत्रु से डर लगेगा। और यहां आज परमेश्वर को बलिदान दिए गए सैमुअल के द्वारा, आज इनके अंदर वो बल आ गया, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही अपना काम इनके लिए कर दिया था। आपके लिए परमेश्वर ने वो काम कर दिया है, शत्रु को कमजोर कर दिया है। शत्रु को परमेश्वर ने बादल गरजा कर बड़ी कड़कड़ाहट के साथ उन्हें घबरा दिया है। और लिखा है कि फिर पुरुषों ने मिस्बा में फिलिस्तीनियों को खदेड़ा है, और वचन बता रहा है कि उन्हें वो भेद करके नीचे तक मारते चले गए। ये मारने की ताकत परमेश्वर से आती है, प्रियो। और वचन बता रहा है आगे 12 पद में, तब सैमुअल एक पत्थर लेकर मिस्बा और सैन के बीच में खड़ा किया, और यह कहकर उसका नाम अबेनेजेर रखा, यहां तक कि यहोवा ने हमारी सहायता की है। सैमुअल को हमेशा याद रहता था, अब्राहम को हमेशा याद रहता था। जब जब परमेश्वर ने अब्राहम के लिए काम किया, अब्राहम ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई, इसहाक ने वेदी बनाई, याकूब ने वेदी बनाई, सैमुअल ने वेदी बनाई, याद रखना, और पत्थर खड़ा किया। इसके लास्ट अंत में आएंगे हम, वेदी के पद को 17 पद में लिखी है बात। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि यहोवा ने यहां तक हमें जीत को दिया है, हमारी सहायता की है। 13 पद, तब फिलिस्तीनी दब गए और इजराइल के देश में फिर ना आए। देखना, परमेश्वर डराए हुए फिर वापस लौटकर ना आए, परमेश्वर हराए हुए फिर आपसे युद्ध करने नहीं आए, क्योंकि आप जीत गए हैं। आपकी जीत परमेश्वर की ओर से पक्की हो चुकी है, इसलिए वचन बता रहे कि और वो इजराइल के देश में फिर नहीं आए, और सैमुअल के जीवन भर यहोवा का हाथ फिलिस्तीनियों के विरुद्ध बना रहा। जब तक सैमुअल बना रहा, तब तक फिलिस्तीनियों के ऊपर परमेश्वर का हाथ उनके विरुद्ध में बना रहा, यानी शत्रु के ऊपर परमेश्वर का हाथ बना रहा, और आप बचाव में बने रहे प्रार्थना करने वाले की वजह से। सैमुअल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, अपने जीवन को पवित्रता के साथ शीलो के आराधनालय में बिताने वाला याजक था, जिसके कारण से परमेश्वर का हाथ दुश्मनों के ऊपर उठा रहा या बना रहा, और दुश्मनों को फिलिस्तीनियों इजरायली के बीच में आने नहीं दिया, उन फिलिस्तीनियों को,
कि वो लौट कर आए। इसलिए वचन बता रहा है कि वो फिर कभी नहीं आए। और लिखा है, वचन बताता है कि इजरायली और अमोरियों के बीच में भी संधि कर दी गई। इजरायली और अमोरियों के बीच में भी परमेश्वर ने संधि करवा दी और सैमुअल जीवन भर इजरायलियों का न्याय करता रहा और प्रतिवर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्मा में घूम घूम कर उन सब स्थानों में इजरायलियों का न्याय करता रहा। कौन? प्रार्थना करने वाला सैमुअल, समर्पित सैमुअल, हन्ने के द्वारा दिए गए पुत्र सैमुअल। तब है रामा में जाकर जहां उसका घर था, रामा से उसके परिवार के लोग आए थे, प्रियो अलकाना और पनिन्ना और हन्ना। और हन्ना बार बार जाने पर भी वो आशीष नहीं पा रही थी, लेकिन उसने अपने जीवन में परिवर्तन किया और बिलख कर रोकर उसने परमेश्वर को मना लिया और परमेश्वर ने उसे बेटे की आशीष दी। यही बेटा है जिसकी परमेश्वर सुनता है। आप भी परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, आपकी भी परमेश्वर सुनेगा। और वहां भी इसराइल को न्याय किया और उसने यहोवा के लिए वेदी बनाई। और रामा में उसने अपने घर के, अपने गांव में, अपने शहर में भी सैमुअल ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। वेदी वो स्थान है जहां पर परमेश्वर के लिए समर्पित भेंट को समर्पित किया जाता है, अपने आप को समर्पित किया जाता है, जहां पर बलिदान चढ़ाया जाता है, वेदी वो स्थान है। क्या आपने भी अपने जीवन में परमेश्वर के लिए प्रथम स्थान बनाने के देने के लिए वेदी बनाई है? क्या आप भी परमेश्वर के लिए अपना वो प्रथम स्थान देने के लिए तैयार हैं? मैं परमेश्वर का दास आपसे कहना चाहूंगा, प्रियो ये सातवां अध्याय हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। फिर से नई बातों के साथ आपके साथ बात करूंगा। और आप मुझे प्यार देते हैं, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। कमेंट के द्वारा मुझे बहुत सी बातें आप बताएं, क्या आपने क्या सीखा है इस वचन के द्वारा, आप उसमें लिख कर बताएं। मैं आपके लिए निरंतर प्रार्थना करता रहूंगा। मैं आपके परमेश्वर के और आपके संबंध में हमेशा अब्राहम की तरह खड़ा रहने की कोशिश करूंगा। और हमेशा मेरे जितने भी से वीडियो को देखते हैं उन सब श्रोतागणों को मैं आशीष की प्रार्थना के लिए परमेश्वर के सामने सजदा और उसके सामने अपना समय बिताने की कोशिश करूंगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे, मुझे आप दे इजाजत। फिर मिलूंगा नए वचन में नई बात के साथ। जय मसीह।